Hello everyone. Today we will discuss about the heart, anatomy of the heart, different parts of the heart and their functions. Means, आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट की एनाटॉमी की, उसके डिफरेंट पार्ट्स की और कौन सा पार्ट क्या फंक्शन और क्या रोल प्ले करता है उसकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट के फोर चैम्बर्स की। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये नाम इसे क्यों दिए गए हैं? बिकॉज जब भी हम हार्ट की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम किसी सामने वाले के इस पर्सन के लिए देख रहे हैं। अगर कोई आपके सामने है तो उसमें ये जो साइड होगी वो उसकी राइट साइड होगी और ये वाली साइड उसकी लेफ्ट साइड होगी। एज इट इज़ रिटन हियर, राइट एल फॉर लेफ्ट। इसीलिए इसके यहाँ पे नाम राइट साइड ये दिया गया है और ये वाला नाम लेफ्ट साइड का दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बात करते हैं हर एक चैम्बर की। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। एज यू कैन सी हियर, लेफ्ट एट्रियम अपर चैम्बर, जिसमें लेफ्ट एट्रियम है उसमें दो ओपनिंग्स आ रही हैं। ये है हमारी पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वर्ड हम जब भी यूज़ करते हैं हमारा मीनिंग होता है लंग्स से, टू डू विद लंग्स। ये दोनों लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेकर आती हैं। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। रिमेंबर दिस थिंग, पल्मोनरी वेन इज एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन होता है। यूजुअली जब हम वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स हमारा इम्प्योर ब्लड लेकर आती हैं, बट पल्मोनरी एक्सेप्शन है, इसलिए ये प्योर ब्लड लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद यहाँ पे आपको दो वॉल्व नजर आ रहे होंगे जिसे हम बाइकस्पिड मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। बाइकस्पिड क्यों? क्योंकि इसमें दो कप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मिट्रल बिकॉज ऑफ द शेप। जो ये मिट्रल वॉल्व इसलिए इन्हें कहा गया है क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो होती है माइटर की तरह। माइटर एक कैप होती है, उसकी तरह ये रिजेंबल करते हैं शेप में, इसलिए इन्हें मिट्रल वॉल भी कहा जाता है। इनकी जो फंक्शनिंग है वो कुछ इस तरह से होती है, लाइक दिस, ओपन क्लोज ओपन क्लोज। जब ये ओपन होते हैं तो ये लेफ्ट एट्रियम में आने वाला जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पास ऑन होता है एंड देन यहाँ पर इतना प्रेशर जनरेट होता है कि उस प्रेशर के ग्रेडियंट के फॉर्मेशन के बाद ये जो ब्लड होता है ये सीधा एओर्टिक वॉल्व के थ्रू एओर्टा में जाता है। एओर्टा वही पोर्शन है जो पूरे ब्लड को हमारी पूरी थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करता है, हम बॉडी के सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, यहाँ पे एक एओर्टिक वॉल्व प्रेजेंट होता है, एओर्टा में है, इसलिए इसको एओर्टिक वॉल्व बोला जाता है। इसे हम सेमी ल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं। सेमी ल्यूनर बिकॉज इसकी जो शेप होती है वो हाफ मून की तरह रिजेंबल करती है। रिमेंबर दिस थिंग, ये जो वॉल्व थे ये डाउनवर्ड थे और ये जो वॉल्व थे ये डायरेक्शन में अपवर्ड है। मीन्स ये नीचे की तरफ खुलेंगे और ये ऊपर की तरफ। फाइन, इसके बाद आगे बात करते हैं राइट पोर्शन की। राइट पोर्शन में एज यू कैन सी हियर, दिस इज द वेना केवा। वेना केवा हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन है। वेना केवा के दो पार्ट्स होते हैं, एक सुपीरियर वेना केवा और नीचे इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा हमारा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करती है अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी। जो भी हमारी बॉडी का अपर पोर्शन है लंग्स से ऊपर वाला, वहाँ से पूरा जो ब्लड होगा वो सुपीरियर वेना केवा में कलेक्ट होगा और वो सारा राइट एट्रियम में पास ऑन होगा। इन्फीरियर वेना केवा लोअर लिम्ब से, लोअर जो बॉडी पोर्शन है वहाँ से हमारा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करेगी एंड उसे राइट एट्रियम में पास ऑन करेगी। राइट एट्रियम के बाद अगेन यू कैन सी हियर, राइट एट्रियम में यू कैन सी हियर, यहाँ पे ट्राइकस्पिड नाम से एक वॉल्व्स हैं। यहाँ दो वॉल्व फिर से हैं जो कि अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं। ये जो वॉल्व्स हैं ये ट्राइकस्पिड हैं क्योंकि इनमें तीन कस्प मीन थ्री कस्प प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें ट्राइकस्पिड नाम दिया गया है। रिमेंबर दिस थिंग, ये बाइकस्पिड थे और दीज वंस आर ट्राइकस्पिड। जब राइट एट्रियम से ब्लड पास ऑन होके राइट वेंट्रिकल में जाता है तो यहाँ एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है। जो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्व के ओपन होने के थ्रू ये जो हमारा ब्लड होता है इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पास ऑन होता है पल्मोनरी आर्टरी में और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये राइट एंड लेफ्ट लंग्स को पास ऑन हो जाता है फिल्टर करने के लिए और ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो यहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू नीचे आया एंड देन अगेन पल्मोनरी वॉल्व में चला गया, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में। अब नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है?
आर्टरी, आर्टरी का जब भी हम यूज करते हैं वर्ड, इसका मतलब होता है दैट वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. अवे मीन्स दूर, एंड वेन द वेसल्स विच कैरीज ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. आर्टरी हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, और वेन्स हमेशा ब्लड को हार्ट के अंदर या हार्ट के पास लेकर आती हैं. ओके, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स की. ये जो वाइट लाइट पिंक कलर की आपको एक कैवरी दिख रही है यहाँ पे, आउटर लाइनिंग, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम का मतलब होता है, पेरी मीन्स आउटर साइड में, पेरी मीन्स पेरीमीटर, एंड कार्डियम मीन्स योर हार्ट, जो कि आउटर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा हार्ट सिट करता है या फिर एनक्लोज होता है. देन इसके इनर लेयर आपको दिख रही होगी, यू कैन सी द इनर लेयर, दिस वन. ये लेयर होती है एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम मीन्स इनर है, इसलिए इसे एंडो वर्ड दिया गया है. ये इनर लेयर होती है जो कि बनी किसकी होती है, स्क्वैमस वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स की. ये कुछ टिश्यूज होते हैं यहाँ पे, कुछ सेल्स होती हैं एंडोथेलियल सेल्स जिनकी ये लेयर बनी होती है. अब इन दोनों लेयर्स के बीच में कुछ स्ट्रेटेड मसल्स आपको देखेंगी यहाँ पे, इस कैविटी में बिल्डअप होती हैं. ये स्ट्रेटेड मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं हार्ट के कंट्रैक्शन करने के लिए. जब भी हार्ट पंप करता है, जो आपकी साउंड्स होती हैं उसके बीच में जो कंट्रैक्ट करता है, देन इन्फ्लेट करता है, वो जो होता है वो इन स्ट्रेटेड मसल्स की वजह से होता है. और इन्हें क्या कहा जाता है, मायोकार्डियम. मायो मीन्स मसल्स, एंड कार्डियम योर हार्ट, मीन्स मसल्स ऑफ द हार्ट, जो दैट अलाउज हार्ट टू कंट्रैक्ट. ये जो है आउटर, दिस आउटर वन इज कॉल्ड फाइब्रोसेकल्ड पेरिकार्डियम. ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो हमें याद रखने होते हैं हार्ट के कॉन्टेक्स्ट में. वाई द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिक एंड राइट वेंट्रिकल हैज थिन मस्कुलर वॉल. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मस्कुलर वॉल्स हुए हैं वो लेफ्ट साइड में बहुत ब्रॉड हैं, चौड़ी हैं, एज कंपेरिजन टू राइट साइड. राइट साइड की बहुत पतली हैं. उसका रीजन क्या होता है, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स द ब्लड ऑल अराउंड द बॉडी इन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. मतलब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये जो लेफ्ट साइड होती है यहाँ से जो ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में थ्रू आउट द एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हमारी पूरी बॉडी को. यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है कि ये जो वॉल होती है उसे इतना ज़्यादा थिक बनाया जाता है कि वो उतना ज़्यादा प्रेशर बेयर कर सके. इसलिए इसकी जो विथ होती है और चौड़ाई होती है उसको थोड़ा ब्रॉड रखा जाता है. यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता. वाई? बिकॉज इट नीड्स टू जनरेट फेयरली हाई पम्पिंग प्रेशर. वेल राइट वेंट्रिकल ओनली पम्प द ब्लड टू द लंग्स. ये वाली जो साइड है हमारी राइट वाली, इसमें ब्लड को सिर्फ और सिर्फ लंग्स को पम्प करना होता है, ना कि पूरी बॉडी में. लंग्स में वो भी उसे ऑक्सीजन देने के लिए, उसे फिल्टर करने के लिए, जो कि हमारे ऑलरेडी हार्ट के बहुत पास में होते हैं लंग्स लोकेटेड, तो उन्हें इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल नहीं करना पड़ता और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी जनरेट नहीं करना पड़ता कि वो लंग्स को ब्लड पास ऑन कर सके. इसलिए यहाँ पे जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी थिन है एज कंपेरिजन टू दिस साइड. नेक्स्ट, एज ऑलरेडी टोल्ड यू, आर्टरी विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वो वेसल जो हमारे ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, और दिस इज वेन जो हमारे ब्लड को हार्ट के टूवर्ड्स लेकर आती हैं, मीन्स हार्ट की तरफ लेकर आती हैं. नेक्स्ट इज एंट्रियो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल. एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल वो था हमारा बाइकस्पिड वॉल था, यही वाला, दिस इज बाइकस्पिड मिट्रल वॉल. ये इसलिए इसे नाम दिया गया बिकॉज ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल नाम दिया गया है. इसी को हम मिट्रल और माइट्रल वॉल्व कहते हैं. माइट्र बिकॉज ऑफ द शेप, इसकी जो शेप होती है वो रिजेंबल करती है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर को, जो कि एक माइट्र एक कैप होती है. नेक्स्ट इज एओटिक वॉल्व. एओटिक वॉल्व ये वाला है, ये एओटा में प्रेजेंट है, इसलिए इसे एओटिक वॉल्व कहा जाता है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इनकी जो ओपनिंग होती है वो इस तरह से होती है, डाउन ओपन देन क्लोज देन ओपन देन क्लोज. नेक्स्ट है पल्मोनरी वॉल्व. पल्मोनरी वॉल्व यू कैन सी हियर, ये पल्मोनरी आर्टरी में लोकेटेड है, इसलिए इसका नाम पल्मोनरी वॉल्व दिया गया है. वॉल्व प्रेजेंट इन द पल्मोनरी आर्टरी, आल्सो नोन एज सेमी ल्यूनार वॉल्व. इसे हम सेमी ल्यूनार वॉल्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो हाफ मून की तरह होती है. ट्राइकस्पिड वॉल्व.
ट्राइकस्पिड बॉल आपके यहाँ पे थे, क्योंकि इनमें तीन कस्प होते हैं इसलिए इन्हें ट्राइकस्पिड कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ दो कस्प थे इसलिए इसे पाइकस्पिड कहा गया। नेक्स्ट इज वेना कैवा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया लार्जेस्ट वेन होती है हमारी बॉडी की, वेना कैवा। नेक्स्ट इज द ब्लड कमिंग फ्रॉम पल्मोनरी वेन टू द लेफ्ट एट्रियम इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एज ऑलरेडी टोल्ड यू, ये जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं लेफ्ट एट्रियम में, जो कि पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आउट एओर्टा, एओर्टिक वॉल्व के थ्रू। ये जो एओर्टिक वॉल्व के थ्रू है ये एओर्टा से जाकर हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द ब्लड कमिंग फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, जो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रहा है यहाँ पे टू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज रिटन हियर एंड पासिस डाउन टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये नीचे गिरता है राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू एंड देन पासिस टू द लंग्स। कहाँ जाता है फिर ये? प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से ये पास ऑन हो जाता है लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट लंग में फिल्टर करने के लिए। ओके नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे आप कुछ ऑरेंजिश एंड रेडिश पोर्शन देख रहे होंगे, जो लाइनिंग्स हैं ये, दीज लाइनिंग्स बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे ये जो लाइनिंग्स हैं इन्हें कहते हैं टेंडनी कॉर्डस और टेंडन्स। क्या नाम होता है इनका? टेंडनी कॉर्डस। टेंडनी कॉर्डिंग्स एक लैटिन टर्म से नाम लिया गया है। ये टेंडन्स होते हैं बेसिकली इन, और ये जो टेंडन्स होते हैं नीचे कुछ मसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे जो हमारी वॉल्स हो, ये जो लेयर्स होती हैं हार्ट की, यहाँ पे ये कनेक्टेड और रूटेड होते हैं थ्रू पैपिलरी मसल्स। ये जो नीचे जो कनेक्टेड हैं ये रेडिश पोर्शन, ये पैपिलरी मसल्स हैं जिनसे ये कनेक्ट होकर के यहाँ पे रूटेड होते हैं।